नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज 24 जनवरी 1989 को कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर प्रकाशित स्मृति अंक में छपी हुई एक छोटी सी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, जो श्री जाबिर हुसैन साहब ने लिखी है। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, चाहे जो अभी जो पीढ़ी युवा हो रही है, जिन्हें कर्पूरी जी के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उनके लिए भी, और जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो सामाजिक न्याय का नेता होने का दावा करते हैं, उनके लिए भी ये घटना बहुत ही सीखने की चीज़ है। मैंने भी कई बार पटना जाकर देखा जब कर्पूरी जी जीवित थे, तो एक देश रत्न मार्ग जो अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय है, वो उनका मुख्यमंत्री के रूप में भी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी सरकारी आवास था, जो उनकी मृत्यु के बाद बिहार सरकार ने स्मृति संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। मैंने भी देखा है कि जब सुबह का समय होता था तो जननायक कर्पूरी जी तैयार होकर आते थे नीचे, और बरामदे पर ही कुर्सी टेबल, वैसे ही कोई सोफा वगैरह नहीं होता था, एक कुर्सी होती थी, टेबल होता था, उनके जो आप सचिव वगैरह होते थे वो अगल बगल बैठते थे, बेंच भी होता था, और पूरा कैंपस गरीब गुरबों से भरा होता था। सफ़ेद कमीज वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा वे गरीब जिनके पैरों में चप्पल नहीं होता था, बहुत लोग फटे कपड़े में आते थे, और लेकिन कर्पूरी जी को सभी लोगों ने देखा कि पहले उनकी नज़र जो समाज का जो बहुत ही गरीब तबका होता था उनकी उड़ जाती थी। इसी में से एक घटना का जिक्र जाबिर साहब ने किया है, जो आंख खोलने वाला है और विचलित करने वाला भी, कि इतना बड़ा नेता जो संयुक्त समाजवादी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री एक बार रहे हों, दो दो बार मुख्यमंत्री रहे हों, और 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत 17 फरवरी 1988 तक जो विधायक रहे, वो छोटी छोटी घटना जो शोषितों वंचितों गरीबों से संबंधित होती थी उस पर वो कितना ध्यान देते थे। मैं जो जाबिर साहब ने एक लेख के रूप में लिखा है उसे ज्यों का त्यों मैं आप सभी लोगों के लिए इस अनुरोध के साथ पढ़ रहा हूँ कि इसे निश्चित तौर पर अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करने का कष्ट करेंगे। ये घटना है उसी जहाँ पर वो बैठकर सुनते थे। सामने बैठी औरत लगातार रोए जा रही थी, उसके साथ आया गांव का जवान भी उसे चुप कराने में सफल नहीं हुआ। बरामदे में बैठे दूसरे लोगों के दिलासे भी बेअसर साबित हुए थे। औरत थी कि मुसलसल रोते थकती नहीं थी। पसीने में डूबे उसके कपड़ों से निकलने वाली बू बरामदे में बैठे सज्जन लोगों की परेशानी का कारण बन रही थी। वो चाहते थे कि कोई उसे मनाकर बरामदे से नीचे मैदान में ले जाए, या कंपाउंड के बाहरी हिस्से में लगे पानी कल के पास छोड़ आए, ताकि वो अपने मतलब की बात निपटा सकें। मगर औरत थी कि उनकी परेशानी लगातार बढ़ाई जा रही थी। तब तक कुछ और लोग आ गए, शहरी कपड़ों में लिपटे, सोने की चेन ओढ़े। एक ने जेब से 10 का नोट निकालकर औरत की तरफ बढ़ाया और उसे चुप होकर बाहर जाने का हुक्म दिया। औरत ने हिकारत की नज़र से उसकी तरफ देखा और नोट मोड़ चमोड़ कर उसके हाथ में वापिस थमा दिया। यह अनुभव आने वाले सज्जन की तेवरियां चढ़ाने के लिए काफ़ी था। वे अपने आदमियों से कहकर उसे बाहर निकालने ही वाले थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मैला कुचैला कपड़ा पहने एक बूढ़ा आदमी बगल में किताब अखबार और ढेर सारे कागजात की गठरी संभाले बरामदे में दाखिल हुआ। बरामदे में उसके आते ही हलचल मच गई। एक क्षण के लिए तो दहाड़े
मार कर रोने वाली औरत भी हैरत भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसका गम ताज़ा हो गया हो। वो पहले से भी ज़्यादा तेज आवाज़ में रोने लगी। बरामदे में ढेर सारे लोग अपनी अपनी अर्जियाँ ले लिए खड़े थे। उनमें वो सज्जन भी थे जिन्होंने उस औरत को 10 का नोट पेश किया था। मुँह ही मुँह में वो बुदबुदाए, कहाँ से आ जाते हैं लोग, कोई काम नहीं करने देते, इत्मीनान से बात भी नहीं हो पाती। जब देखो कुछ भीखमंगे खड़े बैठे रहते हैं। ये सज्जन कुछ ज़्यादा ही बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्हें दरअसल उस बूढ़े आदमी से अपने हक में एक सिफारिशी खत लेना था। उसके बड़े भाई का दामाद हत्या के एक मामले में फंस गया था। वो उसे बूढ़े आदमी से शहर के एक नामी वकील के नाम सिफारिशी खत लेने आए थे। बूढ़े आदमी के बरामदे में इस वक्त उस औरत की मौजूदगी उन्हें बुरी तरह खल रही थी। बूढ़ा आदमी बरामदे में आकर सबसे पहले उस औरत के पास गया। औरत बूढ़े आदमी के चरणों पर गिर पड़ी। उसने रो रो कर अपनी कथा सुनाई। उसके बेटे को इलाके के एक जमींदार के कहने पर पुलिस ने डकैती के झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। अपने बेटे को उसने मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। अब वो डॉक्टरी प्रवेश इम्तहान में पास हो गया था। गांव से अकेले वही एक नौजवान था जो इस इम्तहान में सफल रहा था। शेष लड़के फेल हो गए थे। फेल होने वालों में बाबू हरजिंदर सिंह का बेटा गोपाल भी शामिल था। बस यही एक बात थी जिसने बाबू हरजिंदर सिंह को नाराज कर दिया था। और रिजल्ट आने के तीसरे ही दिन देवकली का बेटा राम सकल डकैती के मामले में गिरफ्तार होकर शहर की जेल में डाल दिया गया था। देवकली अपने इसी बेटे की रिहाई की मांग लेकर बूढ़े आदमी के दरवाजे पर आई थी। बूढ़ा आदमी गौर से उस औरत की सारी कहानी सुन रहा था। औरत बीच बीच में रोती भी जाती थी। उसका आदमी पुलिस का सिपाही था। बैंक लूट के समय लुटेरों ने उसे गोली डाल दी थी। तब से कपड़े सी सी कर देवकली ने पैसा जमा किया और बेटे को पढ़ाया। गिरफ्तारी के सिर्फ एक दिन पहले राम सकल अपने पास होने की खुशखबरी लेकर गांव आया था। राम सकल के मेडिकल इम्तहान के पास हो जाने की खबर से बाबू हरजिंदर सिंह की ड्योढ़ी पर गहरा सदमा छा गया था। एक दिन पूर्व ही शहर से उनके छोटे भाई बाबू हरियाली सिंह ने गोपाल के फेल होने की सूचना भेजी थी। बाबू हरजिंदर सिंह को इस बात का दुख नहीं था कि उनके ढेर सारे पैसे पानी में बह गए और बेटा शहर में रहकर चकल्लस करता रहा। उन्हें इस बात का सदमा था कि राम सकल के पास हो जाने की खबर आने पर वो इलाके भर में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। गोपाल ने इम्तहान में फेल होकर उन्हें जो तकलीफ पहुंचाई थी उसे भूलने को बाबू हरजिंदर सिंह तैयार थे, मगर राम सकल की सफलता ने तो जैसे उनकी मूंछें ही नीचे झुका दी थी। इन मूंछों को दोबारा उठाने और उनकी मर्यादा बहाल करने का भार इलाके के थानेदार को सौंपा गया। थानेदार बाबू हरजिंदर सिंह का जर खरीद गुलाम था। थोड़े में ही सारी बात समझ लेने की सलाहियत के मामले में थानेदार जगलाल शर्मा पूरे इलाके में मशहूर थे। केस मुकदमों की गंभीरता देखकर वो थोड़ा भी समय गंवाना नहीं चाहते थे। उसी रात गांव में बाबू हरजिंदर सिंह के गोतिया बाबू रघुवीर सिंह के घर डकैती की खबर फैली और दूसरी सुबह थानेदार ने अपने कारिंदों के साथ देवकली के घर छापा मारकर बाबू रघुवीर सिंह की सोने की चेन और एक कलाई घड़ी बरामद कर ली। उनके अनुसार ये सामान राम सकल ने चोरी के बाद अपने झोले में छिपा रखे थे। अगली सुबह ही नाम लिखाने शहर जाना था। चौकी के रिकॉर्ड में राम सकल को डकैत घोषित कर दिया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि नाम लिखाने में जो पैसे लगने वाले थे वो इसी सामान को बेचकर हासिल होते। देवकली चिल्ला चिल्ला कर थानेदार को कहती रही कि उसने गांव के महाजन के पास अपना घर गिरवी रखकर राम सकल के लिए पैसा जमा किया है, मगर थानेदार को ये सब फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं था। उसने सोने की चेन और कलाई घड़ी के साथ साथ देवकली के जमा किए 1000 रुपये भी जब्त कर लिए। राम सकल गिरफ्तार होकर शहर चला गया तो बाबू हरजिंदर सिंह की मूछों की हरियाली लौट आई। उस रात उन्हें चैन की नींद आई। बरामदे में बैठे बैठे बूढ़े आदमी ने देवकली की पूरी कहानी सुनी, फिर भीड़ की तरफ मुँह करके बोला, बाकी लोग आज मेहरबानी करके जाएं, मुझे आज देवकली के बेटे की जमानत करानी है
और इसका दाखिला भी कराना है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी एक सादा कागज लेकर अपने हाथ से देवकली की अर्जी लिखने बैठ गया। एक बार भी उसने बरामदे में खड़ी भीड़ की तरफ नहीं देखा, उस सज्जन की तरफ भी नहीं जो कीमती गाड़ी से आए थे और जिनके गले में वैसी ही एक सोने की चेन पड़ी थी जैसी पुलिस ने राम सकल के झोले से बरामद दिखाई थी। औसत कद, खुरदरी दाढ़ी और मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा अखबारों, पत्रिकाओं, दरखास्तों, अर्जियों की एक बड़ी दुनिया समेटे देवकली के बेटे राम सकल की रिहाई के लिए अर्जी लिखने वाला यह बूढ़ा आदमी कौन था जो अब नहीं है? क्या मुझे उसका नाम लेने की जरूरत है? आप सभी लोगों के लिए प्रश्न कि क्या हम जननायक कर्पूरी जी के चरित्र से, उनके जीवन से 100 पैसे में 1 पैसा भी अगर अनुग्रहित कर लें, उस पर चलने का प्रयास करें तो शायद 1 पैसा 2 पैसा भी अगर चल सकें तो ये अपने जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद, जय हिंद।